तिलहर चीनी मिल में अभी हम लोगों ने उसका शुभारंभ किया था, और अभी इसमें सूचना आई है कि एक वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग करते समय गैस लीक होने से उसका जो पाइप है वो फटा है। जो प्रारंभिक सूचना है जिसमें दो मजदूर घायल हुए हैं और जले हैं, उनको शाहजहाँपुर लाया गया था, लेकिन यहाँ से उनको रेफर बरेली कर दिया गया है। क्योंकि प्रथम दृष्टया इसमें अभी मिल का कोई बॉयलर स्टार्ट नहीं हुआ है, और ये गैस का जो ठेकेदार है, जो इसके वर्कर्स काम कर रहे थे, तो इसको अभी हम लोगों ने पूरी टीम भेज करके फायर सेफ्टी की और विद्युत विभाग वालों की, क्योंकि क्लियरेंसेस मिलने के बाद ही मिल स्टार्ट होती है। तो अब ये देखने की बात है कि इसमें ठेकेदार के लेवल से किस तरीके की मशीनें यूज़ कर रहे थे जिससे कि ये पाइप इसका फटा है और ये हादसा हुआ। जो घायल है उनके लिए अब किस तरीके की मदद की देखिए, जाएगी? सबसे पहले तो घायलों का जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है हमने सीएमओ को बता दिया है, सीएमओ ने बरेली सीएमओ से भी बात कर ली है, तो उनको बेस्ट पॉसिबल इलाज दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि पूरी तरीके से उनका उपचार कराया जाए, लेकिन प्रारंभिक तौर पे उनका बर्न 60% से ऊपर बताया जाए। लापरवाह लोगों पास कोई कार्रवाई होगी? देखिए, पूरी हमने इसीलिए टीम अपनी भेजी है, ये देखेंगे कि किस लेवल पे ये लापरवाही है और उस पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाए। हमारे पास थार लक्ष्य से दो बर्न आए, जिनमें एक बबलू उम्र है, 40 साल, 98% बर्न है, काफ़ी गंभीर हालत है, फर्स्ट एड देकर के इसको रिफ़र कर दिया गया हायर सेंटर के लिए। अच्छा, दूसरे वाले को सर ये दूसरे की भी हालत काफ़ी गंभीर है, उसका भी इलाज किया जा रहा है।